करेंगे। जय श्री राम। राजन बजरंगी, बजरंग दल जिला संयोजक, जिला कठुआ। आज हमारा प्रोटेस्ट का जो मेन मोटिव है वो है कि जो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार कहती है, अभी तो आई भी नहीं है, फिर भी कहती है कि अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने निकाला है कि हम बजरंग दल बैन करेंगे। अरे इनकी क्या मजाल, ये बजरंग दल बैन करेंगे? बजरंग दल कोई मूली है क्या जो उखाड़ के फेंक देंगे? बजरंग दल देश का काम कर रहा है, अपने हिंदुत्व का काम कर रहा है, देश का बल है बजरंग दल, और ये बजरंग दल को बैन करेंगे? आपके पास और कोई काम नहीं है क्या? देश में और कोई काम नहीं बचे हैं? अरे देश को सुधारो, देश में हजारों लाखों काम पड़े हैं, उनको छोड़ के कहते हैं बजरंग दल बैन करेंगे? अरे ऐसी सरकार आएगी क्या? वो समझ लो कभी ना आएगी, ना ही कभी आएगी, ना आई है ना ही कभी आएगी। जय श्री राम। ये जो प्रदर्शन है, ये जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया कर्नाटक इलेक्शन में याद आती है भगवान की सभी को। अभी इनको कांग्रेस को याद आई है कि बजरंग दल को बैन करना है, बजरंग दल को, भगवान बजरंग बली को इन्होंने बैन करना है। और भगवान बजरंग बली को ये इन्होंने शायद रामायण नहीं पढ़ी है कांग्रेस वालों को, इनको रामायण पढ़ाओ, इनको याद कराओ कि ये वही बजरंग बली हैं जिन्होंने लंका जला दी थी। तो इनको ये इलेक्शन टाइम पे ये अपना इलेक्शन की रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं, और कहना नहीं चाहिए पर फिर भी बोल देते हैं। जो कांग्रेस के उधर के कर्नाटका के प्रधान है कोई, डीके शिवकुमार, मैं अखबार में पढ़ रहा था जिस दिन कांग्रेस ने मैनिफेस्टो लाया कि बजरंग दल को बैन करेंगे, भगवान बजरंग बली को बैन करेंगे, उस दिन उनके हेलीकॉप्टर पे एक पक्षी बजा था और उनकी एमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। भगवान उनकी रक्षा करे, उनकी सेहत रखे, उनको दिमाग दे कि भगवान को कोई भी बंदा आज तक पकड़ नहीं पाया, ना ही कोई उनको पकड़ पाएगा, और ये बैन की बातें भूल जाए। बजरंग दल ने कौन सा ऐसा काम किया जो उनको बैन करना है? जो बैन करने वाले PFI को बैन किया करेंगे, क्योंकि वो एंटी सोशलिस्ट काम करते हैं। अब PFI को इन्होंने काउंटर करने के लिए भगवान बजरंग बली को बैन करने की बात कर रहे हैं, सरासर गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। आज का जो प्रोटेस्ट है, जैसे आपने हिमांशु जी ने बता दिया, राजन बजरंगी ने बता दिया कि जो कर्नाटका में जो कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो निकाला है कि हम जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसको बजरंग दल को बैन कर देंगे, जैसे हिमांशु जी ने पूरा बता दिया। मैं एक बार और बता देता हूँ कि बजरंग दल काम क्या करती है, पूरे हिंदुस्तान में देख लेना आपकी किसी कोई भी हॉस्पिटल हो तो ब्लड डोनेशन करने का काम करती है। अब कोरोना में देखा आपने कि जितना भी यहाँ पे हिंदुस्तान में जितना भी ब्लड डोनेशन हुआ, जहाँ किसी के राशन पहुँचाया गया, किसी गरीब को जो बचाने का काम जो करती है वो बजरंग दल करती है, और हिंदू का बल भी जे बजरंग दल है। आप देखने जाते हो कि जैसे जे बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं, अरे श्री राम के भक्त जो हनुमान हुए उसको कौन बैन कर सकता है? लेकिन अब कांग्रेस पार्टी थोड़ी बौखला गई है, अब इनका हस्ती कुछ नहीं रहा है, इसलिए जे पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। और इनको एक बार और बता देता हूँ मैं कि अभी सरकार तो आपकी आएगी नहीं, ना ही आपका हस्ती पूर्ण हिंदुस्तान में रहा है, और बजरंग दल को बैन करने की बात क्या सोच रहे हो? अपनी सरकार की, अपनी नेताओं की बात सुनो, कितने लोग यहाँ से लोग इस्तीफे दे के जा रहे हैं, कोई कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो ये बात आप कौन सी बातें कर रहे हो बजरंग दल को बैन करने वाली? राजन जी ने बोला जैसे कि राजनीतिक दल है, और यार जैसे BJP या मोदी अपने राष्ट्र की बात कर रहा है, हिंदू तत्व की बात कर रहा है। अब जनेऊ डालने की बात आई तो जे अभी राम मंदिर बना तो जनेऊ डालने का इनको पता लग गया, जनेऊ कैसे डालते हैं जे इसके भी सरकार BJP की, पहले ये कहाँ थे लोग, तब इनको जनेऊ याद नहीं आया, जब जय श्री राम याद नहीं आया, अब तो स्टेज पे नारे भी लगाने लगे जय श्री राम के।